गुड आफ्टरनून टू ऑल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन. अब एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? बेसिकली बेटा, इसकी कुछ थ्योरीज होती हैं. अब्राहम मास्लो ने सीएस बताया है कि कौन कौन सी थ्योरी को कैसे डेवलप करना है एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करने के लिए. इंट्रोडक्शन टू मोटिवेशन. अब मोटिवेशन तो पता ही सबको क्या होता है, बहुत ही कॉमन सा नेम है. किसी को मोटिवेट करना, चाहे वो बिजनेस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो अपने पर्सनल मैटर के रिगार्डिंग हो, या बिजनेस के रिगार्डिंग हो, या किसी का एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग उसको मोटिवेट करना, वो होता है मोटिवेशन. द वर्ड मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन रूट मूवर्स विच मीन्स टू मूव. मोटिवेशन इज़ यूजली डिफाइंड एज इंटरनल स्टेट दैट अराउजेज डायरेक्ट एंड मेंटेन बिहेवियर. मोटिवेशन दस में रिगार्ड एज समटाइम विच प्रॉम्प्ट कॉम्पल्स एंड एनर्जीज एंड इंडिविजुअल टू एक्ट और बिहेव. कि मोटिवेशन क्या कहता है, लैटिन वर्ड है मूवर्स का, जिसे हम मूव कर सकते हैं, विच मीन्स टू मूव. मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर देती है, उसे उस काम के लिए विलिंग कर देती है. मोटिवेट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का. कि जैसे एक वन मैन इंडिविजुअल ने पर्सन इंडिविजुअल है जिसने बिजनेस चलाया है, बट वो एक्चुअल में मोटिवेट नहीं हो पा रहा क्योंकि उसे कोई गाइड करने वाला नहीं है. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को मोटिवेट करता है तो उसके अंदर एक स्किल पावर्स आ जाती हैं जिससे वो अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चला पाता है. मोटिवेट करता है ए वन पर्सन दूसरे पर्सन को कि हाँ यार, कुछ नहीं होता, मैं तेरे साथ हूँ, तू ऐसा कर, ये ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम कर. मोटिवेट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है एवरी ह्यूमन लाइफ का. ओके बच्चे, नाउ एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन. एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट एक्टिवेट्स द एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सर्ट ए हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स ऑफ द अचीवमेंट ऑफ हिज और हर गोल्स. कहते हैं गोल्स को अचीवमेंट, जब हमने सोच लिया कि हमें इस गोल को अचीव करना है तो हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं हाई लेवल के, वो होता है हमारा एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन. इन अदर वर्ड्स, एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन रेफर्स टू द ड्राइव और फोर्सेस विद एन एंटरप्रेन्योर दैट अफेक्ट हिज हर डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड प्रिजिस्टेंस ऑफ वॉलंट्री बिहेवियर. एक वॉलंट्री बिहेवियर, प्रिजिस्टेंस होना चाहिए, इंटेंसिटी होना चाहिए कि दूसरे बंदे को अफेक्ट ना करे. क्यों, कैसे? एक एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है उसके बिजनेस के अंदर, उसे कहते हैं हम एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन. प्रोसेस क्या है एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन का? अनसेटिस्फाइड नीड नहीं होगी तो टेंशन रहेगी, ड्राइव्स रहेंगे, सर्चिंग बिहेवियर में टेंशन रहेगी, नीड्स में सेटिस्फेक्शंस नहीं मिलेंगी, रिडक्शंस ऑफ टेंशन कम होगी अनसेटिस्फाइड नीड के साथ. नाउ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, बच्चे आपने ये पढ़ी होगी मोस्टली, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है मोटिवेशन की. अब्राहम मास्लो इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट पीपल आर मोटिवेटेड. इस थ्योरी के रिगार्डिंग अब्राहम मास्लो जी ने इस थ्योरी के रिगार्डिंग पर्सन्स को मोटिवेट किया है कि वन बाय वन स्टेप करके आप कैसे बिजनेस को एक्सपेंड करते हो. द नीड्स आर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर. द हायर एक्टर फैशन एंड एनी वन टाइप ऑफ नीड इज सेटिस्फाई अदर हायर ऑर्डर नीड विल मर्ज एंड बिकम ऑपरेटिव इन लाइफ. कि वन बाय वन स्टेप करके उन्होंने एक पर्सन को बिजनेस के रिगार्डिंग मोटिवेट किया है. वो स्टेप्स हैं बेटा फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. जो फिजियोलॉजिकली नीड है वो बेसिकली किसके बेसिक नीड्स हैं, वो फूड, वाटर, वार्म, रेस्ट की. जो सेफली है, आपको सिक्योरिटी, सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करती है. बिलोंगिंगनेस, किसी अपना फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप कैसा आपका. एस्टीम नहीं आ जाएगा, फीलिंग्स को एकॉम्पॉन्शलिश, जैसे फीलिंग में कहते हैं ना हम, कि ऐसे प्रेस्टिज कैसे करना, अपनी फीलिंग्स या थॉट्स को कैसे शेयर करना, एक्नॉलेजमेंट कैसे करना. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़. कि
अपने आप में क्रिएटिविटी कैसे लाना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग, वो हैं बेटा आपके बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल नीड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो. When these physiological needs are developed for a long period and all other needs fail to appear to reset in the background, physiological needs are deemed to be the lowest level need. These needs include the needs such as food and water. इस नीड में क्या होता है कि हमें फूड एंड वाटर की बहुत ज़्यादा इंक्लूड होते हैं इसमें नीड्स में, कि हमें ज़रूरत होती है इसकी. और ये हमारे फिजियोलॉजिकली नीड्स होती है, हमें अपने के अपने आप के लिए क्या क्या चाहिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है ये, लॉन्ग पीरियड के लिए नीड है. कौन सी? फिजियोलॉजिकली नीड. लेवल फर्स्ट फूड, एयर, वाटर, स्लीप, सेक्स. ठीक है, सारा कुछ इसमें फिजियोलॉजिकली वे में होता है जो हमें डेली नीड है, मीन्स कि लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, वो होती है हमारी फिजियोलॉजिकली नीड. अब सेफ्टी नीड, व्हेन द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सक्सेसफुल फुलफिल देन सेफ्टी नीड बिकम द डोमिनेंट फोर्स इन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. अब जब आप फिजियोलॉजिकल नीड से फुलफिल हो गए, सक्सेसफुल हो गए, अब दूसरी नीड क्या कहती है, सेफ्टी नीड. अब उसके बगैर आप सेफ्टी प्रोवाइड कैसे करोगे अपने आप को एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग. सेफ्टी नीड्स आर मैनी एंड आर मेनली कंसर्न विद मेंटेनिंग ऑर्डर एंड सिक्योरिटी. आप सिक्योरिटी, मेंटेनिंग ऑर्डर प्रोवाइड करोगे सेफ्टी नीड के अकॉर्डिंग. सेफ्टी नीड इंक्लूड डिजायर ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, डिपेंडेंसी, प्रोडक्शन, फ्रीडम, फियर, एंजाइटी एंड देयर नीड्स ट्रांसलेट्स इंटू ए नीड फॉर एटलीस्ट ए मिनिमल डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, द नॉलेज दैट वी कैन नॉट फायर ऑन ए हीम एंड द अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ एफर्ट्स एंड प्रोडक्टिविटी विल इंश्योर कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट. सेफ्टी नीड्स में क्या होता है बच्चे, जो आपने फिजियोलॉजिकली नीड्स में सक्सेसफुल कर लिया है, अब उसके रिगार्डिंग आप अपने आप को सेफ सिक्योर कैसे कर सकते हो या कैसे करके रख सकते हो. डिपेंडेंसी होना बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है इस सेफ्टी नीड्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट सेफ्टी नीड, पर्सनल सिक्योरिटी, फिनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ वेलबींग. ठीक है, नेक्स्ट सोशल नीड. दिस नीड एम्फसाइज बेसिक फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ ह्यूमन बींग टू आइडेंटिफाई विद अ ग्रुप लाइफ, मेकिंग इंटीमेट रिलेशनशिप विद अदर मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी. अब सोसाइटी के अकॉर्डिंग दूसरे बंदों के साथ कैसे रिलेशन बनाना. दीज नीड्स आर डिपेंडेड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ प्रीवियस नीड्स. ये प्रीवियस नीड्स के अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट करती है हमारी नीड्स को, रिकॉग्नाइज करती है कि हमें किस किस फ्रेंड्स के साथ, किस सोसाइटी के नेबर्स के साथ अपना रिलेशन बना के रखना है. सोशल नीड, फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी. ठीक है, तीन तरह के रिलेशन हो सकते हैं इसमें भी. नेक्स्ट एस्टीम नीड. एस्टीम नीड इंक्लूड द डिज़ायर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम एंड द एस्टीम्स ऑफ अदर्स. कि दूसरों की रिस्पेक्ट आप कैसे कर सकते हो, उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए. व्हेन फोकस एक्सटर्नली, कि हम दूसरों के बिहाव, उनकी रेपुटेशन देखेंगे, उनका स्टेटस देखेंगे, उनका फेम ग्लोरी देखेंगे, उनकी अटेंशंस को देखेंगे, एप्रिसिएशन कहाँ तक बिलोंग करता है वो पर्सन, ये सब किस में आता है, एस्टीम नीड में. एस्टीम नीड, मास्टरी, डोमिनेंस, कितनी अचीवमेंट्स की हैं, उसका स्टेटस कहाँ तक बिलोंग करता है, वो सारा कुछ हम एस्टीम नीड में देखेंगे. नेक्स्ट लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, द हाइएस्ट नीड. इट मीन्स टू फुलफिल वंस इंडिविजुअल नेचर इन ऑल एस्पेक्ट, बींग वट मैन, वट वन कैन बी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज फ्रीडम फ्रॉम कल्चर एंड सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रेंस. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज पॉसिबल व्हेन द बेसिक नीड्स ऑफ द पर्सनल आर मेट. आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी नीड को कैसे फुलफिल कर सकते हो, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जैसे फ्रीडम, कल्चर एंड सेल्फ. कल्चर के अकॉर्डिंग आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को कैसे फुलफिल कर सकते हो. ठीक है, बेसिक नीड, दूसरे पर्सन के साथ कोई मिले हो, उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कौन सा है, आपका कौन सा है, इसमें आ जाएगा बेटा अपने आप का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. आप क्या सोचते हो, आपको किसकी ज़रूरत है, अपने आप में आप कैसे कंट्रोल करते हो, अपना बिहेवियर कैसे फाइंड आउट करते हो, वो सारा किस में आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में.
बच्चे आज का ये आपका टॉपिक था कि एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन की थ्योरीज़ क्या होती हैं। हमने अलग अलग थ्योरीज़ को अलग अलग पार्ट में डिविजिबल किया है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।